प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रगति मैदान में भारत मंडपम ठारी सप्तम भारतीय मोबाइल कांग्रेस 2023 रो उद्घाटन करिसेंती। कार्यक्रम समय प्रधानमंत्री देशर शिक्षानुष्ठान गुडीकु 100 5G यूजलेस कैप्स प्रदान करिवे। अक्टोबर 27-29 पर्यंत हेबाकु थिबा इंडियन मोबाइल कांग्रेस हेउची एशियार सर्वबृहत टेलीकॉम मीडिया एवं टेक्नोलॉजी फोरम। टेली जोगाजोग एवं प्रजुक्ति विद्यार भारतर अविश्वसनीय अग्रगति को आलोकित करिबा, गुरुत्वपूर्ण घोषणा करिबा एवं सेमानंकर अभिनव उत्पाद एवं समाधान प्रदर्शन पई एही कार्यक्रम एक प्लेटफॉर्म भावरे कार्य करिबो। ...2014 में लोगों ने ऐसे आउटडेटेड फोन को छोड़ दिया और अब हमें सेवा करने का अवसर दिया। इस बदलाव से क्या हुआ वो भी साफ दिखता है। उस समय हम मोबाइल फोन्स के इंपोर्टर थे, आज हम मोबाइल फोन के एक्सपोर्टर है। तब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हमारी प्रेजेंस ना के बराबर थी, लेकिन आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। पिछले 10 वर्षों में भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री स्कैम और लिटिगेशन से बाहर आकर आज एक सनराइज इंडस्ट्री बन गई है। आज भारत को दुनिया में 5G के फास्टेस्ट रोल आउट के लिए पहचाना जा रहा है। आज भारत में डिजाइन और मैन्युफैक्चर हुए टेलीकॉम इक्विपमेंट 70 से अधिक देशों में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। आज दुनिया के बड़े देशों में सबसे सस्ती डेटा सर्विसेज भारत में उपलब्ध है। आज देश में लगभग 114 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं। 10 वर्ष पहले भारत में इस्तेमाल हो रहे 98% मोबाइल फोन इम्पोर्ट होते थे, आज 98% भारत में मेक इन इंडिया भारत में बने। आवर विजनरी प्राइम मिनिस्टर, एवरी जेनरेशन नीड्स अ विजन दैट इंस्पायर्स इट टू डू ग्रेट थिंग्स। यू हैव गिवन माय जेनरेशन एन एस्पिरेशनल विजन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग आवर कंट्री इनटू विकसित भारत। इफ एनीवन वांट्स टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ हाउ अ डेवलप्ड इंडिया इज बीइंग बिल्ट, ऑल दे शुड डू इज कम टू द इंडिया मोबाइल कांग्रेस। Sir, you have kept yourself young at heart, thought and actions. Just like the youth, you embrace innovation, welcome change and challenge the status quo. You are always working on using the latest technology that can improve the lives of our people. जदि आपणक आम भिडी भल लगला तेब आम चेल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।